राज्य मंत्रिमंडल की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में 7 महत्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकार ने लिए हैं, जिसमें प्रमुख निर्णय बच्चियों के जन्म दर में वृद्धि को लेकर लिया गया है। इस निर्णय के तहत अब बच्चियों के जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक 1,00,000 तक की राशि सरकार देगी। राज्य सरकार ने लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए लाडली बिटिया योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू की है। मंत्रिमंडल बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं, जिसमें फलटण से पंडरपुर नई ब्रॉडगेज रेलवे लाइन, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम में बदलाव, सांगली अहमदनगर में जिला और अतिरिक्त सत्र न्यायालय, जल विद्युत में निजी निवेश को प्रोत्साहन के साथ साथ लेक लाड़की योजना को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत बच्ची के जन्म होते ही 5,000 की राशि प्रदान की जाएगी। उसके बाद पहली कक्षा में प्रवेश करते ही 6,000, छठी कक्षा में प्रवेश पर 7,000, 11वीं कक्षा में जाने पर 8,000 रुपए और 18 साल की उम्र होने पर 75,000 की राशि दी जाएगी। इस तरह कुल मिलाकर उस लड़की को 1,01,000 का अनुदान जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक दिया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य राज्य की लड़कियों के जन्म दर में वृद्धि करना, उनकी शिक्षा को बढ़ावा देना, बाल विवाह जैसी कुप्रथा को रोकना है। नागपुर से BCN न्यूज के लिए प्रकाश साकुलकर की रिपोर्ट।